बार तूने ऐसे क्या किया। तो हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ का जो इंटीग्रेशन है, एक्सरसाइज 7.2 हमारा चल रहा था। बेसिकली क्लास ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पर चल रहा था। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के जो लेक्चर में सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। अब हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। क्लास ट्वेल्थ वाले जितने भी बच्चे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। और एनसीईआरटी में हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। कैलकुलस की सेकंड बुक है, ठीक है? क्लास ट्वेल्थ की सेकंड बुक चल रही थी यहाँ पर, कैलकुलस कलन की चल रही थी सेकंड बुक। उसका फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन समाकलन। क्या है? समाकलन है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यहाँ चल रहा था। एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों, बताइए? आई थिंक लास्ट लेक्चर में 24 तक हो गई थी। आज 25 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन वही कहता है। देखिए हेडिंग आपको पता है कि समाकलन निकालना, निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात करो। तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखिए एक्सरसाइज लिखी है मैंने, नहीं लिखी। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्लास ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25 है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है 1/ कॉस स्क्वायर एक्स 1 - टेन एक्स और टेन एक्स और ऊपर क्या स्क्वायर है, 10x² 1 - 10x² तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन इसने हमें लिख के दिया है। और क्वेश्चन में ऊपर बोलता है कि निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात करो, इंटीग्रेशन हमें इसका फाइंड करना है। तो कैसे मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा, आप ध्यान से समझना पहले कैसे हम करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो यहाँ पर हल लिख देना, ठीक? इसके बाद इस फंक्शन को आई के इक्वल लेट करेंगे। मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आपको उत्तराखंड बोर्ड में मैथ का एग्जाम कैसे लिखना, कॉपी के अंदर कैसे लिखना, जितने स्टेप आपको कॉपी में लिखने होंगे ना उतने स्टेप में यहाँ पर लिखूंगा, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स 1 - 10x² ठीक है, 10x² आई इज इक्वल टू 1/cos² x (1 - 10²x). देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगाकर यहाँ पर dx लिख देना आप, ठीक है? इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना, पूरा इंटीग्रेशन का सिंबल और dx साथ में लगा देना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर किसको लेट करें, किसको सब्सिट्यूट करें हम, प्रतिस्थापित किस फलन को करें कि उसका अवकलज हमारे फंक्शन में उपस्थित हो। तो बेसिकली ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए फंक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गया है, ये क्वेश्चन क्या हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया है थोड़ा सा, देखिए। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है? इस बात का ध्यान रही, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए 1/cos² x क्या होता है, sec² x का फॉर्मूला। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ sec² x ऊपर, और अपॉन में क्या लिख दे मैंने 1 - 10x² अब बच्चों आपको क्लियर चमक रहा होगा कि अगर मैं 1 - 10x को, इफ अगर मैं 1 - 10x को टी पुट करता हूं तो देन इसका डेरिवेटिव sec² x होता है। 10x का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है, वो मुझे ऊपर मिल रहा है, क्लियरली वो ऊपर मिल रहा है। तो इट मीन्स डैट इसका मतलब है कि मुझे नीचे वाले फंक्शन को टी के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो देन अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो माना इंग्लिश वाले के लिखेंगे लेट, माना जो ये फंक्शन है नीचे 1 - 10x = t, ठीक है? नीचे वाले फलन को मैंने सब्सिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया टी के सापेक्ष, मतलब टी मान लिया इसके इक्वल में, ठीक है? अब क्या करना है, अब देखिए मैं एक स्टेप यहाँ पर डीपली समझाऊंगा और फिर मैं सीधा कर दूंगा, इसलिए आप इस सवाल को बिल्कुल बेसिक लेवल से ध्यान से देखिए।
देखिए इस फंक्शन को मैंने क्या किया, टी के इक्वल पुट किया है ना, ये फंक्शन था एक्स का। तो अब देखिए दोनों ओर क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष समाकलन अवकलन करने पर, सॉरी अवकलन, ठीक है, यहाँ पर दोनों ओर एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों ओर क्या करना है, ध्यान से पहले सुन लो, दोनों ओर क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन है। क्योंकि बहुत से बच्चे ना कभी कभार गलती करते हैं कि यहाँ पर टी के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो टी के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है पहले। तो कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। और देन अब टी का अवकलन करना है, अब हमें टी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और देन इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे फंक्शन में उपस्थित है, देख लो एक बार पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बट यहाँ माइनस नहीं है, तो इस माइनस को यहाँ से मैं ट्रांसफर कर दूंगा राइट हैंड साइड में। तो देयर फॉर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, माइनस का डी टी। अब देन क्या करना है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस डी टी पुट कर दो, और यहाँ पर वन माइनस टेन एक्स की वैल्यू टी पुट कर दो, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो देखिए ध्यान से, नीचे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है, वो हमें कहाँ पर पुट करनी, इसकी वैल्यू ऊपर पुट करनी है माइनस का डी टी। देन इसके बाद आपको क्या करना है, वन माइनस टेन एक्स की वैल्यू टी है, तो इस फंक्शन में टी पुट कर लो जी, क्या कर लो, टी पुट कर लो, इस फंक्शन की वैल्यू टी पुट कर लो। ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो इसका मतलब टी के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इस फंक्शन की वैल्यू हमने डी टी पुट कर दिया। अब इस देखिए माइनस मैंने बाहर कर दिया, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, अब देखिए यहाँ पर आ गया वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब देन आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस, इंटीग्रेशन माइनस सेम रहेगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर, मतलब टी की पावर माइनस टू हो जाएगी और डी टी। अब देन आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो माइनस टी की पावर माइनस टू का क्या होगा, टी की पावर माइनस टू प्लस वन, ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, माइनस टू प्लस में वन प्लस में सी। अब देन आई इज इक्वल टू माइनस टी की पावर माइनस वन, टी माइनस टू में से वन जाएगा तो माइनस वन अपॉन में माइनस वन प्लस में सी कॉन्स्टेंट, तो देन आई इज इक्वल टू माइनस सेम, देखिए ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो इसको हटा दो, ये माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ रहेगा टी की पावर माइनस वन प्लस में सी। अब देन आई इज इक्वल टू टी इनवर्स लिखा गया, इसको अगर मैं अपॉन में लाऊंगा तो वन अपॉन टी प्लस में सी हो जाएगा। अब देन इसके बाद आपको इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करूँगा, इधर इधर कर लेता हूँ, पर ये आपने नोट कर लिया होगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए जो फंक्शन लास्ट में आंसर आया ना वन अपॉन टी, उसके बाद आपको जो आपने टी पुट करा था उस फंक्शन की वैल्यू वहां पर पुट करनी है अपने आंसर में लास्ट में, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, टी की वैल्यू पुटअप करनी है। तो वन अपॉन टी की वैल्यू क्या है, देखिए टी मैंने किसको माना था, वन माइनस में टेन एक्स, अब मैं टी की वैल्यू नीचे रख दूंगा, वन माइनस में टेन एक्स और प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी चल रहा है। अब देखिए बच्चों आंसर बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी बुक से, अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, वन अपॉन वन माइनस में टेन प्लस, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों, आप अपने आंसर शीट में देख लेना, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और सभी क्वेश्चन को आज के लेक्चर में उड़ा देंगे, सीधा ख़त्म कर देंगे इनको। देखिए जो क्वेश्चन कौन सा 25, एक बार क्वेश्चन निकाल देता हूँ मैं, कहाँ है ये प्रश्न है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, अब 26 चलेगा। देखिए 26 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ठीक
क्या, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बताओ। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, ये हल लिख देना है। इसके बाद इस फंक्शन को आप एक नाम दे दो आई, मैंने इसको नाम रख दिया आई फॉर इंटीग्रेशन निकालने के लिए, मैंने आई रख दिया इसका नाम। उसके बाद कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाने के बाद डी एक्स जरूर लगा देना ऐसे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं इस फंक्शन को थोड़ा कैसे लिख देता हूँ, देखिए मैं इस फंक्शन को लिख देता हूँ किस प्रकार से, कॉस रूट ऑफ एक्स ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ से वन और रूट एक्स को अलग कर दिया, ताकि अब आपको क्लियर दिख रहा हो कि हमें किस फंक्शन को लेट करना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव हमारे फंक्शन में उपस्थित हो जाए। तो देन देखिए, अगर मैं रूट एक्स को केवल इससे जो एंगल है ना, कॉस के आगे जो एंगल है रूट एक्स, अगर मैं इसको पुट करता हूँ टी और इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, तो रूट एक्स का वन अपॉन रूट एक्स होता है, ठीक है, मतलब वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, जो टू आएगा वो वहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, तो ठीक है, यानी रूट एक्स को मानने से हमारे पास इसका डेरिवेटिव वन अपॉन रूट एक्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब इट मीन्स डैट हमें लेट क्या करना है, हमें लेट करना है कि जो रूट एक्स है वो टी के इक्वल है। अब देखिए अगर ये टी के इक्वल है ना, तो देखिए मैंने आपको बताया था, मैं अब यहाँ पर सीधा करूँगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर सीधा करूँगा, आप लिख देखिए रूट एक्स का क्या होगा, वन अपॉन में टू रूट एक्स होगा डिफ्रेंसिएशन, और फिर टी का डी टी अपॉन डी एक्स होगा, तो डी एक्स आएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बच जाएगा। तो देन इसके बाद ये इन टू का टू है ना, ये टू है डिवाइड में, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। इतनी बात समझ में आई। पहले वाले स्टेप में मैंने आपको बता लिया था कि इस फंक्शन को t के इक्वल लेट करने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर x के सापेक्ष अवकलन होगा तो जब t का अवकलन होगा तो dt टी अपॉन डी एक्स आएगा, और dx की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे सीधा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना आपको कि मैंने यहाँ से इस स्टेप से ये स्टेप मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, देखिए वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, टू डी टी है, और रूट एक्स को मैंने टी पुट किया है, तो सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कॉस मैंने सेम रख दिया, जो एंगल में रूट एक्स है उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं टी, यहाँ पर टी, और वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से टू डी टी, टू डी टी। इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ से मैं टू बाहर निकाल रहा हूँ, और यहाँ देखिए ये तो टू कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस टी डी टी। अब देखिए बच्चों, अब आपको कॉस टी का इंटीग्रेशन निकालना है। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस का साइन टी प्लस में सी कांस्टेंट, आई इज इक्वल टू टू साइन, अब देन अब आपको लास्ट में अपने आंसर में टी की वैल्यू पुट करनी है जो आपने लेट किया था। टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है प्लस में सी कांस्टेंट है। अब आप आंसर चेक कर लेना, ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देन इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको नोट करते रहिए साथ साथ मेरे समझ के, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से, 27 क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.2 का। देखिए फंक्शन में गिवन है रूट के अंदर साइन 2x, रूट ऑफ साइन 2x इंटू में कॉस 2x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रेट करना है इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहले काम रहेगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो और इस फंक्शन को आई के इक्वल लेट कर दो आई, ठीक है, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो पहले से ही रूप में, साइन 2x है यहाँ पर, साइन 2x इंटू में कॉस 2x और dx, ठीक है। इतना लेट करने के बाद बच्चों अधिकतर केस में क्या होगा, अगर मैं जो रूट के अंदर की वैल्यू होती है ना उसको हम लेट करके मतलब अदर वेरिएबल में चेंज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, अधिकतर मतलब 90% करते हैं ऐसे, अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन गिवन होता है तो उसके अंदर की वैल्यू हम क्या करते हैं, टी पुट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं साइन 2x इस रूट के अंदर जो लिखा है साइन 2x, अगर मैं उसको पुट करता हूँ टी, और साइन 2x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या आएगा, कॉस 2x आएगा,
तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डैट, इसका ये अर्थ है कि मुझे जो रूट के अंदर साइन 2x है उसको टी पुट करना पड़ेगा। तो लेट माना मैं क्या करूंगा, इसको जो रूट के अंदर लिखा गया है साइन 2x को टी पुट कर दूंगा। अब देन क्या करना है, एक बार लिख लेता हूँ, डिफ्रेंसिएशन विद, देखिए टी पुट करने के बाद यहाँ पर दोनों ओर एक्स के सापेक्ष क्या करती है, अवकलन करती है। और तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए यहाँ पर साइन 2x क्या होगा, कॉस 2x, और देन एंगल देखिए जिसको आपने एक्स माना है 2x को, इसका अवकलन दोबारा करना है, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स आएगा इधर, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर केवल कॉस 2x और डी एक्स हमें चाहिए, तो इस 2 इंटू का 2 यहाँ डिवाइड में भेज लो, तो कॉस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको देखिए कॉस 2x dx की वैल्यू dt टी अपॉन 2 यहां पर पुट करनी है, और साइन 2x की वैल्यू यहां से t पुट करनी है। तो देन हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू, देखिए रूट के अंदर साइन 2x की वैल्यू पुट कर लो t, तो रूट ऑफ t, और देन इसके बाद कॉस 2x dx की वैल्यू क्या है, dt टी बाई 2 है, एक बार मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है पहले चलो अब इधर देख लीजिएगा, देखिए बच्चों यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दूँ, 1/2 कांस्टेंट को मैं बाहर कर रहा हूँ, तो अब देखिए इस रूट टी को मैं क्या लिखूंगा, टी की पावर 1/2 लिखूंगा, इस रूट टी को मैं क्या लिखूंगा, टी की पावर 1/2 और इंटू में डी टी। अब फाइनली आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसके बाद आप यहाँ से इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से 1/2 तो मैंने सेम रख दिया, अब देखिए t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, I इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर 1/2, देखिए 2 1 2 एक 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c कांस्टेंट। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए बच्चों 2 से तो 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये 2 ऊपर आएगा, तो ठीक है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये 2 ऊपर आएगा यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा मैंने क्या कर लिया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गए 1/3, 1/3, और यहाँ क्या बच गया, टी की पावर 3/2 प्लस में सी 1/3। अब देखिए t की वैल्यू पुट अप कर लो जो आपने लेट की थी, यहाँ पर देखिए साइन 2x है, t की वैल्यू क्या है, साइन 2x है, साइन 2x ऊपर पावर क्या है 3/2 है प्लस में c है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से, ठीक है आंसर शीट पे एक बार आंसर मैच कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए बच्चों ये आंसर आपका आ रहा है 1/3 साइन 2x की, 2x की होल पावर 3/2 प्लस सी, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बिल्कुल आंसर राइट आ रहा है, एकदम मक्खन आ रहा है मक्खन। ठीक है चलो, इसी प्रकार बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, अब 28 देखिए, 28 में क्या लिखा गया है कि कॉस एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स, यानी रूट 1 प्लस में साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना है। देखिए बच्चों यहाँ तो हमें क्लियर चमक रहा है, अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूँ और उसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो साइन एक्स का कॉस एक्स ऊपर मिल रहा है, तो इसका मतलब मुझे 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले सिक्वेंस के हिसाब से आपको क्या करना है, इससे पहले आपको इस फंक्शन को आई के इक्वल यहाँ लिखना है हल सॉल्यूशन, फिर इस फंक्शन को आई के इक्वल लेट करना है, इंटीग्रेशन का सिंबल खुद से लगाना है, और अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स रूट के अंदर लिखना है, और डी एक्स जरूर लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, अब देन आपको लेट करना है, माना माना
जो रूट के अंदर वैल्यू है वन प्लस में साइन एक्स, इसको मैं क्या मानूंगा, टी मानूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, यहां पर मानने के बाद दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या करती है, यहाँ पर दोनों ओर अवकलन करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वन का जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। बीच बीच में एक आध स्टेप में आपको समझा भी रहा हूँ डीपली, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया, वरना इसको मैं सीधा इधर लाता डी एक्स को, ठीक है। अब देखिए जो बच्चे नए आए होंगे ना, उनके लिए मैं इसको बीच बीच में डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टी का क्या हुआ, डी टी अपॉन डी एक्स, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना क्रॉस, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। अब देखिए कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ साफ चमक रही है, ऊपर देखिए ये वाली, ये और ये पूरा एक साथ है। तो देन देखिए आई इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी है, क्या है, डी टी है, अपॉन में रूट चल रहा है, और रूट के अंदर क्या है, वन प्लस साइन एक्स को हमने टी पुट किया है, तो यहाँ टी रख दो। अब इसका इंटीग्रेट आपको फाइंड करना है, देखिए यहाँ देखिए इसको ऊपर, अब देखिए वन अपॉन रूट टी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया पहले, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि कमजोर सा कमजोर बच्चा अच्छा नंबर अच्छे नंबर लेके आए मैथ में, ठीक है। इसलिए देखिए रूट टी है, टी के ऊपर रूट लगा है, इसका मतलब टी की पावर हाफ हो जाएगी, वन बाई टू डी टी, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू, जब ये पावर ऊपर आएगी तो इन्वर्स हो जाएगी, टी की पावर माइनस वन अपॉइंट टू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा वाला, ये वाला एक्स की पावर एन डी एक्स वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस में वन एन प्लस में वन प्लस में सी, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, पावर का एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर का जो फॉर्मूला है वो ये होता है इंटीग्रेशन का, आप इसको याद कर लेना, इसके बेस पर मैं अब इसको सॉल्व करूँगा। देखिए टी की पावर माइनस वन अपॉइंट टू, एन की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू है, प्लस वन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस में सी कॉन्स्टेंट, तो देन आई इज इक्वल टू, देखिए टू वन जो टू, और टू में से वन माइनस करेंगे तो टू, तो टू की पावर वन अपॉन टू, टू वन जो टू, वन अपॉन टू यहाँ पर भी आएगा प्लस में सी कॉन्स्टेंट। देन इसके बाद ये टू ऊपर आएगा तो टू इंटू में टी की पावर वन अपॉन टू प्लस में सी। अब आप क्या कर सकते हैं, टू देखो टी की पावर वन अपॉन टू है, इसका मतलब इसके ऊपर रूट आएगा, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होती है पावर हमेशा, मतलब जिस नंबर के ऊपर भी हाफ है इसका मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं उसमें टू। देखिए अब देन इसके बाद फाइनली आपको जो टी फंक्शन पुट किया था उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है, वन प्लस में साइन एक्स, वन प्लस में साइन एक्स प्लस में सी। अब देखिए बच्चों आप आंसर चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए इसका आंसर आ चुका है बिल्कुल, ठीक है। चलो तो बच्चे क्वेश्चन नोट कर दिया होगा, डस्टर कहाँ रखा मैंने, चलो इसी हिसाब कर लेता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर समझ में आपको आ रहा होगा, नोट करते जाइए आप मेरे साथ साथ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, cot x फिर log sin x, ऐसे क्वेश्चन गिवन है, cot x और log sin x। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे log आ गया, ठीक है, अब किसको पुट करना है, तो जब इसको मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको क्लियर मालूम चल जाएगा कि अब हमें किसको पुट करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिख लो सॉल्यूशन, क्या लिख लो, सॉल्यूशन हल इस फंक्शन को लिख लो, आई बराबर ऐसे, आई मान लो कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, इसको ऐसे मान लो पहले, सही से लिख लो बिल्कुल, और डी एक्स इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो लास्ट में। अब देखिए बच्चों अगर मैं इस log sin x को t मानता हूँ, अगर मैं log sin x को t मानता हूँ तो log sin x का क्या होगा, डेरिवेटिव वन अपॉन sin x और फिर sin x का cos x और फिर cos अपॉन sin cot बन जाएगा। तो इसका देखिए पहले कैसे, अभी समझ में आएगा आपको। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से log और sin x को t मानूंगा इतने को, तो लेट माना आई इज इक्वल टू आई नहीं टी, इसको लॉग एक्स
लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको मान ले मैंने टी पुट कर दिया। अब इसको मानने के बाद क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बच्चों, इसको मान लो अपने माइंड में एक्स, और ये लॉग है, लॉग एक्स, इसको साइन एक्स को क्या मान लो माइंड के अंदर एक्स मान लो, तो लॉग एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव वन अपॉन में एक्स, और एक्स क्या है साइन एक्स है। अब जिसको माना है एक्स उसका दोबारा करेंगे अवकलन साइन एक्स का चेन रूल से, कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स। अब देन यहाँ पर देखिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देन इसके बाद ध्यान से देखिए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी चल रहा है, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ध्यान से देखिए, अब आपकी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने लॉग साइन एक्स को ही टी क्यों पुट किया है। देखिए कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू, देखिए कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू में डी टी पुट कर दूंगा और लॉग साइन एक्स को मैं टी पुट कर दूंगा और फंक्शन एकदम आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट एक्स, देखिए पहले मैं कॉट एक्स डी, देखिए पहले मैं क्या लिख रहा हूँ लॉग, पहले मैं लिखता हूँ लॉग साइन एक्स को, थोड़ा सजा कर लिखता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर चमके। उसके बाद में क्या लिखता हूँ, कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स। अब देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए बच्चों लॉग साइन एक्स की वैल्यू आपने टी मानी है तो लॉग साइन एक्स को मैं टी रख दूंगा और देन कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी पुट कर दूँ, इसकी वैल्यू डी टी पुट कर दूँ, कहाँ से करी यहाँ से करी। तो देखिए बच्चों, अब t की घात 1 मान लो और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c कांस्टेंट, देन इसके बाद 1 अपॉन 2 को तो बाहर कर दो और यहाँ पर t की वैल्यू पुट अप कर दो, यहाँ से t की वैल्यू क्या है log sin x और ऊपर क्या थी पावर 2 प्लस में c, तो ये आपका आंसर आ चुका है। एक बार इस log वाले फंक्शन का आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर एक बार चेक किया जाए, ठीक है, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। आंसर चेक करते हैं पहले बच्चों, आपकी संतुष्टि के लिए मैं आंसर चेक कर रहा हूँ एक बार। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 29, हाँ, 1/2 log sin x का स्क्वायर प्लस में c, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए बच्चों, 29 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद 29 के बाद क्वेश्चन आता है आपका 30 क्वेश्चन आता है, 30वां प्रश्न आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स, देखिए ये फंक्शन भी आपको क्लियर चमक रहा होगा, अगर नीचे वाले फलन को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यानी अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करता हूँ तो जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन एक्स वो मुझे ऊपर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा इसको टी, ठीक है। पहला तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, देन इस फंक्शन को अब आई के इक्वल लेट करेंगे। अब साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स और इंटीग्रेशन का सिंबल डी एक्स लगा देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, जो फंक्शन नीचे है उसको टी पुट कर दो, ठीक है। तो माना इंग्लिश माध्यम वाले क्या लिखेंगे, लेट, लेट माना इस फंक्शन को 1 प्लस में कॉस एक्स इक्वल टू टी, इस फंक्शन को मैंने टी पुट कर दी। अब जिसको टी पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी में लिख देना, तो 1 का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, cos x का माइनस में sin x अवकलन, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस sin x dx की दर मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, dx इक्वल टू dt, देन sin x dx इक्वल टू इस माइनस को राइट में ट्रांसफर कर दो, माइनस का डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी मिल रही है,
वन प्लस कॉस एक्स को मैंने टी पुट किया है, तो फंक्शन बिल्कुल आसान होगी सॉल्व करने में। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, और वन प्लस में कॉस एक्स की वैल्यू टी, तो आई इज इक्वल टू देखिए माइनस बाहर कर दिया, वन अपॉन टी डी टी हो गया। अब देखिए बच्चों वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा, लॉग मॉडुलस टी प्लस में सी, देन आई इज इक्वल टू लॉग, माइनस भी चल रहा है ठीक है, यहाँ पर माइनस मत भूल जाना, माइनस लॉग, देखिए अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू वन प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पुट कर लो, तो मॉडुलस वन प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसका आंसर चेक कर देना अपने एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। चलो अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 30 हो गया, अब प्रश्न नंबर 31 को ध्यान से देखिए, 31 को ध्यान से देखिए कि साइन एक्स अपॉन में वन प्लस में कॉस एक्स, ये भी सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, साइन एक्स अपॉन में वन प्लस में कॉस एक्स का स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगी? सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन लिखने के बाद फंक्शन को आई के इक्वल लेट करेंगे, और देन साइन एक्स अपॉन में वन प्लस में कॉस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स लगा देंगे। सबसे पहले काम क्या रहेगा, इस फंक्शन में इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना और डी एक्स लगाना, उसके बाद की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर वन प्लस कॉस एक्स को मैं टी पुट करता हूँ, अगर इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो कॉस एक्स का साइन एक्स ऊपर मिल जाएगा, तो इट मीन्स डैट मुझे लेट किसको करना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा किसको, मुझे मानना पड़ेगा वन प्लस में कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा। अब जिसको मानते उसका दोनों ओर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन यानी आप कॉलन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, और टी का एक्स के सापेक्ष डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और देन माइनस में साइन एक्स, और इसका मल्टीप्लाई कर लो इधर क्रॉस, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और हमें क्या चाहिए, हमें केवल साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो इस माइनस को राइट में ट्रांसफर कर लो, तो देयर फॉर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आई इज इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या था, ये था साइन एक्स डी एक्स, देखिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करो माइनस डी टी, माइनस का डी टी, और देन देखिए वन प्लस में कॉस एक्स, वन प्लस में कॉस एक्स क्या है, टी है, ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा था, और डी टी, डी टी तो है लिखा हुआ पहले से, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, इस माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ, तो जब ये माइनस बाहर करूँगा, देखिए टी की घात दो है, ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस टू हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी पावर डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस सेम टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस में सी, तो देन आई इज इक्वल टू माइनस टी की पावर माइनस वन प्लस में सी, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वन अपॉन टी, देखिए टी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टी प्लस में सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुटअप कर दो, टी की वैल्यू क्या थी, वन प्लस में कॉस एक्स थी, वन प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी कॉन्स्टेंट है, और बस अब चेक कर दो बच्चों, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है इस फंक्शन का, 31 क्वेश्चन है, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। अब इसी क्रम में हम आगे के प्रश्न लेते हैं, 31वां प्रश्न हो गया आपका, अब 32वां चलेगा इसके बाद, 31वां प्रश्न हो चुका है, अब 32वां प्रश्न चलेगा, ध्यान से देखिए 32वां प्रश्न बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 32वां जो प्रश्न है ना वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, 32वां प्रश्न क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, वन अपॉन में वन प्लस में कॉट एक्स,
ऐसा सेम एक एग्जाम्पल भी था पीछे, ठीक है, ऐसा सेम एक एग्जाम्पल भी था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे इस बात का, इस पर लिख लो आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा एक आपके पास एग्जाम्पल भी था पीछे, ठीक है, और सेम क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, ट्रिक्स है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने कुछ स्टेप हैं, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। पहले देखिए, सबसे पहले काम क्या रहेगा, सॉल्यूशन लिख करके इस फंक्शन को i के इक्वल लेट करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, 1 प्लस में कॉट x dx। इतना करने के बाद बच्चों ध्यान से देखिए इधर, ये मैंने ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, ठीक है, चलो i इज इक्वल टू, देखिए इसमें ट्रिक क्या है कि इस फंक्शन को हमें, यानी इस फंक्शन को कॉट को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के रूप में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, डी एक्स बाहर कर लो, ठीक है। अब नीचे एलसीएम ले लो, अब नीचे क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो वन ऊपर सेम रहेगा, साइन एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, और यहाँ पे वन मान लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स वन जस साइन एक्स और डी एक्स। अब जो नंबर सबसे नीचे होता है ना, उसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये बात मैंने आपको बहुत बार समझा रखी है, ठीक है, कैसे होता है वो रूल भी समझा रखा है। साइन एक्स जो नंबर सबसे नीचे होता है उसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो साइन एक्स ऊपर आ जाएगा अपॉन में, नीचे क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, इतना बच जाएगा, यानी ये फंक्शन बच जाएगा नीचे, और इनटू में डी एक्स चल रहा है। अब देखिए बच्चों, एक स्टेप तो हमने पूरा कर दिया है इस सवाल का, अब दूसरा स्टेप क्या रहता है, देखिए दूसरा स्टेप करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इस फंक्शन में आपको वन टू से इंटू और टू से भाग करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो टू से तो मैं यहाँ पर इंटू करूँगा ऊपर, तो वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, देखिए टू से इंटू और टू से डिवाइड, तो टू साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए मैंने क्या किया है, स्टेप सेकंड में मैंने क्या किया, 2 से इनटू और 2 से डिवाइड कर दिया है। अब देन अब आपको साइन 2x, देखिए 2 साइन x को ब्रेक करना पड़ेगा, तो देयरफॉर 1 अपॉन 2, इस 2 साइन x को मैं यहां पर ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, साइन x प्लस में साइन x, साइन x प्लस में साइन x, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन x प्लस में cos x dx, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस वाले स्टेप में 2 से इंटू और 2 से डिवाइड किया है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 1 अपॉन 2 मैंने बाहर कर दिया, देखिए 1 तो मैंने बाहर रख दिया, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड हो गया, अब 2 साइन एक्स को मैंने ब्रेक कर दिया है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स में साइन एक्स को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखिए दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इसमें 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन एक्स में आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर कॉस एक्स को ऐड करना है और एक बार यहाँ पर कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन एक्स में एक बार मैंने कॉस एक्स प्लस कर दिया है, और सिमिलरली साइन एक्स में से मैंने एक बार कॉस एक्स को माइनस कर दिया है, स्टेप थर्ड इसका ये रहता है, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स लगा दो बाहर, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी एक्स। चलो अब इसके बाद आपको एलसीएम ब्रेक करना है, इसके बाद क्या करना है, एलसीएम को ब्रेक करवाना है आपको, ठीक है, तो इतना पहले मैं रफ कर लेता हूं इसको। अब देखिए यहां पर क्या चल रहा है, आई के इक्वल क्या चल रहा था, आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स का पहले साइन एक्स कॉस एक्स में सिंगल आपको डिवाइड करना है, और फिर इस फंक्शन का इस फंक्शन में सिंगल डिवाइड करना है, तो इससे क्या रिजल्ट मेरे पे आ जाएगा, तो देन साइन एक्स, देखिए यहाँ पे लगा लो ब्रैकेट ऐसे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, देखिए साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स इस फंक्शन का इसमें सिंगल डिवाइड कर लो, अपॉन में क्या चल रहा है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और फिर बीच में प्लस है, फिर इस फंक्शन का इसमें सिंगल डिवाइड साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और फाइनली बाहर क्या चल रहा था डी एक्स, क्या चल रहा था डी एक्स चल रहा था। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए इधर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इससे ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो देयर फॉर 1/2 इंटीग्रेशन, यहां तो 1 बच जाएगा, प्लस में यहां लगा दो ब्रैकेट साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स। ठीक है, चलो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रिपीट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, सेपरेट आपको इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx को मैं सेपरेट करूंगा, फिर 1/2 का यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में प्लस चल रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ x लिख लो, प्लस 1/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको इसको लेट करना पड़ेगा। देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स को अगर मैं t पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव मुझे अपने फंक्शन में उपस्थित मिल जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए, इसको अभी मैं सेम लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/2 साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो वेरी गुड, यहाँ तक अगर आपने क्लियर नोट कर लिया होगा। चलो फिर मैं आगे आप समझाता हूँ कि इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा। देखिए ध्यान से, जो फंक्शन नीचे है, देखिए यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, इसको पुट कर लो टी, इसको लेट कर लो टी के इक्वल। देखिए मैं यहां पर लेट माना जो फंक्शन नीचे गिवन है मुझे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, इसकी वैल्यू मैंने टी पुट कर दी, मतलब इसको टी के इक्वल मान लिया। अब जिसको मानते हैं, अब क्या करेंगे इस स्टेप में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, और टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स। अब देन डी एक्स इधर लाना है आपको। देखिए पहले मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं देखिए यहां से देखिए, पहले साइन एक्स प्लस का, लेकिन यहाँ साइन एक्स माइनस हो रहा है, और यहां पर देखिए कॉस एक्स प्लस है और यहाँ माइनस हो रहा, तो मैं यहां से पहले माइनस कॉमन निकालूंगा, जब यहां से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का साइन एक्स प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का कॉस एक्स है वो माइनस का बन जाएगा, और डी एक्स का मल्टीप्लाई कर लो इधर, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब हमें तो खाली क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देन यहां से साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी टी के इक्वल आ जाएगा, माइनस डी टी के इक्वल आ जाएगा। चलो अब यहां पर देखिए ध्यान से, 1/2, 1/2x को मैंने सेम लिख दिया, 1/2 सेम लिख दिया। अब देखिए बच्चों, यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, डी टी है, माइनस डी टी, तो यहां लिख दिया माइनस का डी टी, और साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने पुट किया है टी, तो यहां पे टी रख दो आप, यहां पे क्या रख दो, टी रख दो। अब फाइनली हमें इस फंक्शन को और इंटीग्रेट करना है और यहां से वैल्यू पुट अप करनी है, तो बाकी मैं सबको रब करता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी बच्चों आपकी, क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें इस बात का। तो i इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या चल रहा है, 1/2x और प्लस, देखिए ये माइनस में बाहर निकाला, तो प्लस माइनस 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 1/2 और अंदर बच जाएगा डी टी अपॉन में टी, डी टी अपॉन में टी बच जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1/2x माइनस में
वन अपॉन टू, देखिए वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस टी प्लस में सी, और आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग। अब देखिए बच्चों टी आपने किसको पुट किया था, आपने टी पुट किसको किया था, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्योंकि मैंने रब कर लिया ना, हमने टी पुट किया था कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हाँ हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को पुट किया था, हमने किसको पुट किया था एक बार क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैंने रब कर लिया ना यहाँ पे, मैं एक बार आंसर क्वेश्चन में देख लेता हूँ, मैंने इसको रब किया है इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे मैंने क्या किया था, कौन सा क्वेश्चन था ये, 32वां क्वेश्चन था हाँ। ठीक है बच्चों मैंने यहाँ पर अभी देखिए जो टी मैंने पुट किया था वो किया था मैंने कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स, ठीक है तो लास्ट में आपको इसकी वैल्यू पुट अप कर देनी है। अब आप एनसीईआरटी बुक से अपना आंसर मैच कर दो, अब आप एनसीईआरटी बुक से अपना आंसर मैच कर दो ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमने क्या करा, जो टी फंक्शन की वैल्यू पुट अप कर दी यहाँ पर ठीक है। अब क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट जरूर करना, और जिस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम लिखकर मुझे बता देना ठीक है। कैलकुलस का मैं धुआं धुआं कर दूंगा, जितनी भी 12th क्लास की बुक्स है ना उसका मैं धुआं धुआं कर सकता हूँ सेकेंडों में, इस बात का ध्यान रहे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।